Assalamu alaikum, this is Usama Khan, your fitness trainer. आज हम करेंगे मोबिलिटी वर्कआउट. मोबिली वर्कआउट बोल रहे हैं या वार्म अप वर्कआउट बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले. हम लोग क्योंकि मसल इंजर्ड हो जाते हैं, उसकी सबसे अहम वजह यही है कि हम जिम में आते हैं और डायरेक्टली आते साथ हम लोग वर्कआउट शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमारे सारे मसल्स और बोन्स डैमेज हो जाते हैं. जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें, मोबिलिटी वर्कआउट से स्टार्ट करें, वार्म अप करें. वार्म अप की मैंने एक और वीडियो डाली हुई है लास्ट टाइम, उसमें थोड़ी सी जंपिंग्स वगैरह थी, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जंप्स करने में. तो आज हम करेंगे कि अपनी जगह पे बैठ के हम कैसे अपने जॉइंट्स को मोबाइल कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे. वन बैक टू आगे आएंगे, पूरा लेटना है और कोबरा पोजीशन में जाना है. ठीक है, कोबरा पोजीशन में जाएं, बैक स्ट्रेच करें, पूरे हिप्स नीचे लेके जाने हैं पूरे. ठीक है, फिर आगे आएंगे, स्ट्रेच इसी तरह चेंज करेंगे. अपने इस हाथ को दूसरे हाथ के नीचे से लेके जाना है और शोल्डर पे वेट देना है पूरा. ठीक है, सेम लेग इस तरफ करता हूँ, इसको अंदर लेके जाएं, शोल्डर नीचे रखें और शोल्डर पे पूरा वेट दें. ठीक है, देन चेंज लेग्स को 90 डिग्री नीचे डाउन, स्विच. मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपने कम से कम 5 से 10 दफ़ा रिपीट करना है हर एक्सरसाइज को. चेंज, स्ट्रेट रखेंगे, टोस को ऐसे नहीं रखना, अपनी तरफ स्ट्रेच रखें. ठीक है, और टच करने की कोशिश करें, और जब मैं स्ट्रेच करता हूँ आगे जाते हुए ब्रीथ आउट करता हूँ. चेंज पोजीशन में आएंगे, इसको हक करें अपनी नी को और टाइट अपनी तरफ खींचें, और ये फुट जो है ये ज़मीन पे लगा के रखना है. ठीक है, चेंज करेंगे, फुट फ्लोर पे होना चाहिए, हक करें, टाइट अपनी तरफ खींचें, आपको पूरा यहाँ बट्स में फील होगा स्ट्रेच, ग्लूट्स में. दूसरी साइड चेंज करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, नीज अपनी उठा के रखेंगे और 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंज, 1, 2, 3, 4, 5 चेंज, 1, 2, 3, 4, 5 हर एक्सरसाइज को 10 दफ़ा करना है. ठीक है, चेंज करेंगे, टोस पे बैठना है, टोस पे थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो आपको अपने काव्स में, थाइज में बर्निंग फील होगी. थोड़ी देर बैठेंगे तो एकदम से बर्न करने शुरू कर लेंगे, या जब बर्न होंगे तो फिर हम चेंज करेंगे. और इसी के साथ बैठे बैठे हमने हाथ स्ट्रेच करना है, हाथ स्ट्रेच करना है, ये मोबिलिटी वर्क स्टेबिलिटी वर्कआउट है. ठीक है, इसमें आपके स्टेबलाइज़र जॉइंट्स जो होते हैं, स्टेबलाइज़र मसल्स जो होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, जब हम टोस पे बैठते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें बैलेंसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो जो हम अपने आप को बैलेंस कर रहे होते हैं उसमें आपके मसल्स यूज होते हैं, आपको एकदम से बर्निंग फील होगी थोड़ी देर में. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखिए हेड मूवमेंट करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा,
बहुत ज़्यादा बर्निंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब हम खड़े होंगे और खड़े होके टोज मिलाने और स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 चेंज, 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 1 2 हर एक्सरसाइज कम से कम 10 दफ़ा करनी है। दैट्स इट। हर वर्कआउट से पहले इसको लाजम करें, आप वार्म अप हो जाएंगे, फिर वो अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। और जब भी वर्कआउट एंड करें, एंड करने के बाद स्ट्रेचिंग और ब्रीथिंग एक्सरसाइज लाजम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ उसामा खान। अल्लाह हाफिज़।